खानम आपको यहाँ पे रहने के लिए अलाउ नहीं कर सकती, लेकिन वो कह रही थी कि आप यहाँ बख्तू के इलाज के लिए आ सकते हैं। अगर बख्तू मियाँ ने किसी पर हमला किया तो आप इन्हें गर्दन से पकड़ लें। कुछ और चक्कर है, लवशप का सीन तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझसे कौन लव करेगा? वही जिसको अपनी अच्छी खासी लाइफ सैड बनानी होगी। आपकी आंखें हमेशा ही उदास रहती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही उदास है। अभी 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 राइट नाउ, थैंक यू। सब मिल गई। हाँ, मिल गई। क्या मिल गई? क्या जॉब मिल गई है? क्या मिल गई है? अब तुम ना हाँ थककर नहीं जाना। नहीं नहीं हाँ। तुम आराम से बैठ के जॉब ढूंढना, बल्कि ढूंढने की भी क्या जरूरत है, मैं लगवा दूंगी सिफारिश। 2500 रुपए सब कुछ, मेरी दोस्त ने मेरी सिफारिश लगाई, मैं तुम्हारी लगा दूंगी। जॉब करने एक ऑफिस में रहेंगे। एक महीने बाद, एक महीने की तो बात है, सैलरी मिलेगी, यू फ्लैट ले लेंगे है? और भी साथ में रहेंगे। बस बैल्कनी वाला रूम मेरा ना, मैं रेंट दे रही हूँ, बाद में देख लेंगे। ठीक है, चल मैं सबको बताती हूँ। मुबारक मुबारक। 2 महीने बाद ना हाँ। हम गाड़ी भी ले लेंगे हाँ। अब गाड़ी में बैठ के सक्कर जाएंगे हाँ। चलाने तो मुझे आती है हाँ। लाइसेंस बनवा लेंगे बस। लाइसेंस भी लेने की क्या जरूरत है? मुबारक मुबारक। सक्कर बावली सक्कर गए ना हम दोनों, तो बाबा सही ने दुम्बे की खाल में सी देना है हम दोनों को। क्या ख्वाब देख रही थी मैं, मेरी किस्मत वापस टेंशन ले लूं। आजा सोचते हैं। तुमने कुछ नहीं करना। अच्छा किन्नु छीलना, छीलेंगे किन्नु, बालकनी में बैठ के किन्नु खाएंगे। ठीक, साथ ही चाय भी बना लेना, अच्छी बनाती हो तो मैं आपको जितने कप बोलूंगी बना दूंगी। परांठे भी तुमसे बेहतर और कोई नहीं बनाता माई, परांठे भी तुम ही बनाओगी। ठीक हो गया। इसके अलावा ना हाँ? ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर? हाँ ऑर्डर मैं कर दूंगी आपके लिए, वो टिंडे पांडे ऐप है ना मेरे पास, करना आता है मुझे ऑर्डर सारा। ये बात माई, अब तुम ना ऑर्डर करना, ऑर्डर लेने का नहीं, ऑर्डर देने का। माई ऑर्डर लेने का नहीं, ऑर्डर देने का। जॉब खानम, 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 भक्त भाई खानम अंदर है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें बदतमीज लड़की। खानम खानम क्या लगा रखा है?
मैं तो ऐसे वैसे पूछ रही हूँ। चुप, ये खानम क्या होता है? मैं तो खानम ही कहती हूँ, मुझे नहीं क्या पता। अब अगर तुमने मेरी बीवी का नाम अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? क्या क्या हो रहा है भक्त भाई? बीवी खानम। खानम आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाइए। हम कह रहे हैं आपसे, आप अंदर जाइए। माही माही डॉक्टर साहब को बुलाओ, बख्तू को दौरा पड़ रहा है। अरे कोई दौरा नहीं पड़ रहा है खानम। माही डॉक्टर साहब आ जाओ, तानी आ जाओ, आ जाओ। और इस डॉक्टर से दूर रहिए आप, हम कह रहे हैं आपसे एक नंबर का झूठा और फरेबी आदमी है। बंदी 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 डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, ओ अंदर इतनी मसूड़ी पड़ गई, आप यहाँ बैठे योगे कर रहे हैं, चले अंदर। क्या हुआ? चले चले। अरे भाई क्या हो गया? अच्छा भाई, अरे भाई क्या हो गया, क्या माजरा है? जूते तो पकड़ा। पूरी दुनिया में इतना झूठ नहीं बोला जाता होगा जितना इस वक्त इस घर में बोला जा रहा है। आपने पूरी दुनिया के झूठे मक्कार अय्यार फ्रॉडिये खबीस लोग इस घर में जमा कर लिए हैं। बस बस बहुत हो गया डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। अभी मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल जूते पहन रहा हूँ। तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा छिचोरे आदमी, नाकाम शायर, जाली डॉक्टर कहीं के। हमारे रास्ते से हट जाओ माही, तुम मेरी बात। हमारे रास्ते से हट जाओ। भाई रोको इसे, कोई, अरे कोई है, ओए रोको इसे। अरे भाई बख्तू मियां क्या हो गया आपको? अरे बख्तू मियां हमें डॉक्टर साहब, बख्तू मियां आपको इस वक्त स्किज़ोफ्रेनिया है, बख्तू आपको हो गया है स्किज़ोफ्रेनिया। बख्तू मियां बख्तू मियां आराम से बात करते, आराम से। खानम बख्तू मियां खानम हमें इसे बंद करना होगा। हाँ बंद कर दीजिए कर दीजिए। आप हमें हमारे घर में कैद करेंगे? डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। हम कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, हम कर रहे हैं इलाज कर। अरे 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 बख्तू मियां आपको कैसे, हमारी परवाह ना करें आप, हम ठीक हैं, आप जाएं मार दूंगा तुम्हें। अच्छा जाएं आप, हमारी परवाह ना करें आप। चलो चलो शाबाश 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 बोरा। ये इस तरह पकड़ते हैं। स्कूल के बाद थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करते थे। रस्सी तो ले, रस्सी कम से कम रस्सी तो ले आओ, तुम दोनों जाओ रस्सी 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 लो, रस्सी का है भाई, बेहोश है ना? हाँ स्कूल के बाद करते थे। हाँ स्कूल के बाद वो हमें कभी कराटे सिखाते थे, कभी जूडो, थोड़ा बहुत ऐसे प्रैक्टिस करते रहते थे हम। किसी के काबू में ही नहीं आ रहा था वो, ना डॉक्टर मामू के, ना तमूर जी के, ना रोहिल जी के। फिर उन्होंने बताया कि तसव्वुर आया और उसने ऐसे कराटे किए,
कनाब भी दूर दूर से हाथ भी नहीं लगाया और बंदा टह गया। हाय, वैसे देख के लगता नहीं है ना, ऐसे चावा सा लगता है वो, फिर कैसे कर लिया होगा उसने ये? माही, ऐसे ना किसी के लिए कहते नहीं है। अरे नहीं कनाब बीबी, मतलब वो माड़ा सा लगता है ना, ऐसे स्लिम सा, जरा इतनी ताकत कैसे आ गई उसमें? और जो पता उन्होंने क्या बताया, बख्तू जो है ना वो बख्तू नहीं लग रहा था, बख्तू ऐसे लग रहा था जैसे उसमें बुलाओ। हाँ, उसकी ना आवाज भी बदल जाती है। हाँ, देखा आपने कनाब बीबी, ऐसा कब होता है? फिर ऐसा तब भी होता है ना जब किसी के अंदर कोई असेब शसेब हो। देखो माही, ऐसी बातें ना करो। हाँ, वो क्या हो गया कनाद बीबी, ये सारा कुछ तो इस दुनिया में होता ही है ना, सुबलाएं होती हैं, पछलपहरियां होती हैं, जिन होते हैं, भूत होते हैं। आपको आयतुल कुर्सी नहीं आती? हड्डी कड़ी गल हो गई, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे। मैं तो रात को ना सोने से पहले 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ के सोती हूँ, उसके बाद दुनिया में जो होना है वो तो होता ही रहेगा ना। हाँ, मैं भी हर वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, पढ़ के सोया करे। वाह 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 वाह। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अबे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कहा थी तुम? मैं अपने थीसिस का फाइनल प्रूफ रीड कर रही थी, सबमिशन डेट आने वाली है ना। लेकिन वो 2 माह पहले नहीं थी मामू? अबे छोड़ो ये प्रूफ रीडिंग शूफ रीडिंग, भाई तुम्हें पता नहीं है कयामत गुजरी हम पे? गुजर गई लेकिन गुजरी है। बख्तू बहुत खतरनाक हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे फौलाद निकल लिया उसने। उसको जब मैंने पकड़ा ना तो मुझे ऐसा लगा कि बिजली भरी थी मेरे अंग अंग में। मामू, आपके वक्का गाना सुना तो होगा? उधर चाहिए। कौन, मेरा मतलब क्या याद दिला दिया? मामू। अरे छोड़ो यार मामू शामू भाई, ऐसे फौलाद, ऐसे जब मैंने पकड़ा ना उसको, जिसम दहक रहा था उसका, ऐसा लग रहा था अंदर खून नहीं है, अंदर लावा है, लावा। शट अप तैमूर, हर बात को तुम एक ड्रोनी मूवी बना देते हो। लावा, बिजली, फौलाद, ये सब फजूल बातें हैं। एक ड्रग एडिक्ट को पुरस्कार मत बनाओ, सुना तुमने? बिला वजह सब घर में डर जाएंगे। सुन रहे हो अपनी भांजी की बातें? हम पे कयामत गुजर गई और जब हम बता रहे हैं हमने जोशी खिलाफत में बात कर रहे हैं तो कह रही है किससे कहानी है? तुम चुप करो मामू, आप बताएं। हाँ, पूछो ना अपने मामू से। मामू बताए ना। बात वो नहीं है जो दिखाई जा रही है, बात वो है जो छुपाई जा रही है। वाह वाह मामू, मिल गया सुकून है, रूह को पड़ गया चैन ये बात सुन के। अबे हम तो हॉरर फिल्म बनाते हैं, इनको जहां 2 बंदे तो मुशायरा शुरू कर देते हैं। आपको बुलाया था इलाज करने के लिए ताकि हम सुकून से रहें, घर का माहौल ठीक हो। यार आप शेर पे शेर पेले जा रहे हो यार। बस हमें तनहा छोड़ दें, हम इस मसले का हल निकालते हैं। निकल गया मसले का, 2 मिनट रुके हम, जरा अपना तकिया बिस्तर ले आए दोनों, सब सब चलते हैं घर वाले, स्नूकर टेबल के नीचे लेटते हैं, चल के नई जगह ढूंढनी है इन्होंने मुशायरे के लिए, स्नूकर टेबल के नीचे। कॉल आ रही है मुझे, नेचर की कॉल आ रही है, मैं अटेंड कर गया। आ रहा हूँ। कॉल, सो क्यूट।
मैंने ना रहना ही नहीं है यहाँ पे। इस घर में तो कभी भी कुछ भी हो रहा है, बहुत बैड सीन हो गया रोहित। मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने वहां नहीं रहना। तुम इतनी दफा कहा है प्रॉब्लम का सलूशन निकाला करो। इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है? मैं मान ही नहीं सकती कि बख्तू आज बख्तू था। इस पे ना आसिफ का साया है। खानम जानते हैं बात, वो हमें नहीं बता रही, छुपा रही हमसे। कर लो, कोई और बचकाना बात करनी है तो वो भी कर लो, क्योंकि आज टाइम है ना, कल तो जॉब पे जाने टाइम नहीं होगा। हेलो, मैं कोई बचकाना बातें नहीं कर रही। तुमने पप्पू की आवाज नहीं सुनी ना? वो थी नहीं उसकी आवाज। और खानम से ऐसे बात कर रहा था, कोई कर सकता है मुलाजिम ऐसी बातें? यार बख्तू ड्रग्स लेता है बेसिकली, और उसका मजीद केस खराब किया है वो, और डॉक्टर मामू की मेडिकेशन ने उसका रिएक्शन आ रहा है। मार्गलैन मामू जी, उनकी दवाई की वजह से ब्लंडर हुआ है जो बख्तू के साथ ये हुआ है। नहीं रुएल, तुम बात समझ नहीं रहे हो, मैं बता रही हूँ, तुम बात तो कभी मानते ही नहीं हो। वैसे भी सब तो तुम्हें पता होता है ना। तो तुम बताओ। नहीं पता? हाँ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन मेरी जॉब होगी, मैंने पहली फुर्सत में कोई अरेंजमेंट करना और निकल जाना है यहाँ से। आखिरी काम है कर दो मेरा। वो क्या? आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, वो HR को रेफरेंस रेफरेंस के लिए चाहिए था। I'm sorry, वो नहीं दे सकता मैं। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा भरोसा थोड़ी है, कल को बगैर बताए ये जॉब भी छोड़ दोगी, किसी से लड़के आ जाओगी तो NIC तो मेरा दिया होगा ना। मैंने बात ही नहीं करनी है तुमसे। साहब बख्तू ठीक तो है ना? खानम जी, बख्तू कमबख्त बंदा हुआ है, नॉर्मल हो जाएगा, हम खुद उससे बात करेंगे। खानम जी, ये बख्तू ऐसे पहले कभी हुआ है उसके साथ? नहीं, ऐसे तो कभी पहले नहीं हुआ। छोटे मोटे दौरे पड़ते रहते थे, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। पक्की बात? पक्की बात। प्रॉमिस? जी जी, नहीं हुआ पहले। देखिए आप फिकर मत करें, परेशान मत, आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम आ गए हैं ना, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये परेशानी हमारी है, स्ट्रेस भी हमारा है। आप बस आराम करें। वैसे बख्तू है कहाँ? कौन? बख्तू कहाँ है? बख्तू वो मेहमान खाने के नीचे स्टोर वाले कमरे में। वो बेहतर हो जाएगा, हम खुद जाके उसको क्वार्टर ले आएंगे। अच्छा ठीक। आप ठीक तो हैं ना? जी जी, हम ठीक है। खानम जी जी, ये बख्तू आपको कहां से मिला? बख्तू हमारे मरहूम शोहर की बरादरी से है, इसलिए थोड़ा स्पेशल है।
बीबी साहब, बीबी साहब, तसव्वुर तुमने हमें बांध के अच्छा नहीं किए। बीबी साहब, बीबी साहब, ये क्या हाल कर दिया इन लोगों ने हमारा, यहां पे कैद करके रख दिया है। आप तो कह रही थी कि डॉक्टर से इलाज कराएंगी हमारा, ये रस्सी से बांध के कौन सा इलाज होता है? ये तो बिल्कुल गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर इंसानी अमल है। हम जानते हैं बख्तू, लेकिन तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें अंदाजा नहीं सुबह तुमने क्या किया है। क्या किया हमने सुबह? हमको तो नहीं याद बीबी साहब क्या किया है। देखो बख्तू, तुम हमारे अपने हो, साहब जिंदा होते तो तुम्हारा इलाज करवाते, अब वो नहीं है ना तो हम फिर फर्ज बनता कि हम तुम्हारा इलाज करवाएं। बीबी साहब, बख्तू इस कुर्सी में बंदे बंदे मर जाएगा। बख्तू, क्या साहब को भी यही जवाब देते? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप हमारी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूँ कि बख्तू इस कुर्सी में बंदे बंदे मर जाएगा, लेकिन आपका कहानी टालेगा। बहुत फखर है तुम पे, और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी है। शर्मिंदा वाला लफ्ज मत बोले बीबी साहब, आप जो भी कर रही हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रही हैं, इतना तो मुझे पता लग गया है। इलाज हो जाएगा ना तो बिल्कुल पहले की तरह ना ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो, भरोसा करो हम पे। ठीक है बीबी साहब, बिल्कुल ठीक है, मैं कुर्सी में बंधा हुआ ही हूं। बीबी साहब, वो किसी से कह के बोले मेरा पैर भी बांधे, वो खुला हुआ है। नहीं नहीं बख्तू, हमें तुम पे एतबार है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बीबी साहब, हम जाएं। ठीक है, ठीक है, दरवाजा बंद कर दें बीबी साहब। تصور مائی، ادھر ڈر لگ رہا ہے مجھے، ڈاکٹر صاحب۔ خانم جی، آپ یہاں؟ ہم بختو سے ملنے آئے تھے۔ خانم جی، آپ کا وہاں اکیلے جانا مناسب نہیں۔ جانتے ہیں، پر سوچا کہ اگر ہم ملنے تو شاید اسے تھوڑی سی تسلی ہو جائے۔ خانم جی، بختو ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس حالت میں آپ کا وہاں اکیلے ہونا آپ کے لیے خطرناک ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ جی جی، آئندہ نہیں جائیں گے۔ یہ بات بات پہ بوکھلانا، سامنا ہو تو ٹھٹک جانا، بات کو چھپانا اور جھٹ سے گزر جانا، سچ کہو تو آپ پر خوب جچتا ہے۔ جب کسی کو دوائی پلانا تو ایک کام کرنا، اس سے پہلے اس کو ضرور ہلانا، ورنہ بیمار مر بھی سکتا ہے۔ ارے واہ، کیا خوب بات۔ بہردار، آپ یہاں کیا کریں؟ ہم تو جو کر رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے، لیکن سزا کے ماموں آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ بختو کی جو حالت ہے وہ آپ کی دی ہوئی دوائیوں سے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ بالکل فضول بات ہے میاں، ہم نے اب تک کوئی دوا دی ہی نہیں اسے۔ تو دیجئے نا، دیجئے دوائی۔ شہزاد نے اسی کام کے لیے تو آپ کو بلایا ہے، جس کام کے لیے بلایا وہ آپ کر نہیں رہے، اور جو کر رہے ہیں
उसमें रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझा दिया, बाकी देख लो आप। बेहतर जी, अब जाइए खेल। ऐसे क्या घूर रहे हो तैमूर? अपने मामू को समझाओ, वो जो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। इस उम्र में ना ये हरकतें बहुत छिछोरी लगती हैं इसे। क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं मेरे मामू? अबे छेल छबीले दुल्हे बने फिर रहे हैं तुम्हारे मामू। कभी यहाँ शायरी, कभी वहां शायरी, कभी यहाँ लाइन तो कभी वहां लाइन। सब बता दूंगा खानम को, सब बता दूंगा मैं। एक मिनट में सारा प्लेन चौपट हो जाएगा तुम्हारा। मेरा प्लान? कौन सा प्लान? खानम को क्या बताओगे तुम? हाँ फजूल की बातें मत बनाओ तैमूर। आंखों में खौफ, माथे पर पसीना खच 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 खच। अबे इतनी जल्दी घबरा गई हसीना? अभी तो प्लेन बताया भी नहीं मैंने, डर क्यों रही हो? देखो तैमूर, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ तुम ही मेरे वाहिद दोस्त हो, है ना? ये मुनाफ़कत दूर रखो मेरे से, ये दूर करो, ये मुनाफ़कत अपने पास रखो, यहाँ ना आने पाए। सारा प्लेन जानता हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हें पहली बार देखा था ना तो समझ आ गई थी कि इस घर में एक ही प्लेयर है और वो हो तुम। पहले तुम इस घर में आई, सब कुछ गौर से देखा, फिर खानम को अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्योंकि तुम जानती थी कि वो एक अकेली औरत है और करोड़पति भी है। और फिर तुमने अपने मामू को तरीके से यहां बुलाया, फिर घुमाया, फिर सजाया, फिर बहलाया, ईद के बकरे की तरह। और अब तुम चाहती हो कि खानम की शादी मामू से हो जाए और ये महल जैसा घर, ये चांद नगर, ये तुम्हारा हो जाए। अब इस बख्तू को भी तुमने कुछ खिलाया पिलाया, बेचारा पागल बना घूम रहा है, काल कोठरी में बंद है वो। सब जानता हूं मैं, सब जानता हूं मैं। तैमूर चुकता ही ना है मेरा, हल्के में मत लेना मुझे। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तैमूर चुकता ही यहां मौजूद है ना, खानम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तैमूर फजूल किस्म की बातें मत बनाओ, और अगर बना रहे हो तो फैलाओ मत। मामू मार्कलैन, मार्कला की पहाड़ियों में घर बनाने वाला पहला आदमी। भरे बादलों पहाड़ छदे, गुलों में रंग भरे। मामू, ये जो आप कर रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ। भई हम क्या कर रहे हैं, बस पौधों को पानी दे रहे हैं। पराए बागीचे के माली बने हुए हैं, जिन पौधों में पानी दे रहे हैं ना, याद रखिएगा इसमें फूल नहीं खिलेंगे। अरे आपके मामू तो सहरा में भी फूल निकाल लेते हैं, ये तो फिर भी खानम जी का बागीचा है। तैमूर को शक हो गया, वो उल्टी उल्टी बातें कर रहा है। आपको नहीं पता मामू की वो कितना स्टूपिड है, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देगा। मेरी इज्जत का आपको जरा भी ख्याल नहीं है, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। आप चले अपने सहरा में फूल खिलाने। मोहब्बत के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी
खामोश कर दी जाएगी। आप देखिएगा तैमूर कहाँ गया पता भी नहीं चले। मामू क्या हो गया आपको? अच्छे खासे शायर थे, गुंडा बन गए हैं। अरे शायरी तो होती है महबूब के लिए, आशिक को तो दुनिया को भी लड़ना है। हम ये रांझा पन्नू महाराज जैसे आशिक हूँ। मोहब्बत मम, चार दिन में आपको कैसे मोहब्बत हो गई? ये चार दिन की कहानी नहीं है शिजा, ये हमारे उम्र का तजुर्बा है। हमने पहली नजर में उनको देख के समझ लिया कि वो आई हैं तो हमारे लिए और हम उनके लिए। हमारी जिंदगी भर की शायरी फकत उन्हीं के लिए थी, उन्हीं के लिए। अब आपकी आंखों में देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप अपने मामू को समझ गए। हरगिज नहीं, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि आपको रोजा लग रहा है क्योंकि आप रोजा नहीं रखते। और ये जो आप सब कर रहे हैं, फिनिश इट। ये इख्तिताम नहीं, आगाज है शिजा। हमें आपकी मामी मिल गई। मुझे मामी नहीं चाहिए, मेरे लिए एक मामू ही बहुत है। लेकिन मामू को मामी चाहिए? अबे मिल गई है हमें तो हम क्या करें? ला 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 ला, हम अकेले अच्छे लगते? नो, ला 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 ला। गुनों में रंग भरे, तानी नहीं, मैं समझो ना, मैं ऐसे तुम्हारी गवाही नहीं दे सकती। कल कला को कुछ हो गया तो पुलिस तो मुझे पकड़ेगी ना। मैं निकाह की गवाही दिलवा रही हूँ, प्लीज कायनात। मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जॉब करनी है ना। मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड चाहिए, तुम्हारी साइन चाहिए, बस। तानी ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत भारी जिम्मेदारी है, मैं नहीं ले सकती। इतने सारे लोग हैं घर में, किसी और को बोलो ना। हाँ तुम लोग ना सारे मतलब ही हो, दोगले हो। कल को तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा आईडी कार्ड? मैं ही दूंगी ना। समझो ना, शनाख्ती कार्ड नहीं दे सकती मैं। हाँ सब, ये भाई आ गए, देख लो। तुम ना, तुम्हारी जिंदगी मैंने शक्ल ही नहीं देखनी मीस ने। ये लो मेरा एनआईसी, और मेरा नंबर ऑलरेडी तुम्हारे पास है, दे देना अपने एचआर मैनेजर को। मेरे पास कॉल आएगी वेरिफिकेशन के लिए तो मैं बात कर लूंगा। नो थैंक्स, नहीं चाहिए मुझे अब, कर लूंगी मैं कुछ ना कुछ। और अगर कुछ नहीं हुआ मैनेज फिर? तो जॉब ही नहीं करूंगी मैं। मेरा जो भूता है ना, इसके ये जो स्माइल है ना, हटा दो इसको, चिढ़ाती है मुझे। मैंने कहा ना, अब एक लफ्ज मत बोलना और मेरी बात गौर से सुनो। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो रिजेक्शन की। अगर कोई चीज किसी वक्त नहीं मिल रही तो पेशेंस लेकर आओ। 10 बार समझाया तुम्हें कि अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम हो रही है तो वो जगह छोड़ देने से तानी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। और ये जो जॉब छोड़ रही हो तुम, ये वही जॉब है ना जिसको लेकर सुबह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, अब छोड़ने की बात कर रही हो। ओहो, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, मैं बस इसे समझा रहा था, ये पागल जॉब छोड़ने की बातें कर रही है। हाँ वो जॉब, आईडी कार्ड, विटनेस। अच्छा बस, अब इतनी जस्टिफिकेशन देके खुद को मशकूक मत बनाओ, इट्स ओके। ये तैमूर कहाँ है? पहले ही देते थे ना, तो ना मैं गुस्सा करती ना तुम लेक्चर देते। जो चीज जिस वक्त नहीं मिल रही उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी नहीं मिलेगी, जब वक्त आएगा मिल जाएगी। व्हाटएवर। सुनो,
बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। अच्छा जल्दी आ जाओ, लग तो बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ रेल जी, आज तो आपने सारी अफ्तारी खुद ही बना ली है, इतनी अच्छी। किधर से सीखी है? अब हॉस्टल में था ना, तो अकेले रहकर सब कुछ आ जाता है। वैसे यहाँ तो मैं सोता रहता हूँ, वरना लाहौर में बहुत मशहूर थे मेरे पकौड़े। हाँ तुम लाहौर में पढ़ते थे? कौन सी यूनिवर्सिटी में? पढ़ता था नहीं, पढ़ता हूँ। अच्छा तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? तुम बताओ ना, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो लाहौर में? रोहल जी, ये सैंडविच तो आपने बड़े सोने बनाए हैं, ऐसे जैसे निकी निकी सी पहाड़ियाँ होती हैं, लेकिन ये सारों को पूरे पड़ जाने हैं? बंदे ज्यादा है ना, और फिर खुराक तो माशाल्लाह आपको पता ही है सारों की। माही ये सिर्फ स्टार्टर है, बाकी और भी बहुत कुछ है खाने को। सही कह रहे हो, आप लेके आती हूँ। सवाल का जवाब देने नहीं आता? कौन सा सवाल? अभी तो कुछ पूछा था। अच्छा कुछ पूछा था? अभी तो पूछा है, इतनी भूख लग रही है, कुछ याद भी नहीं रह रहा। ये कौन है? हेलो, अपनी मौत की आवाज सुनकर कैसा लगा? कौन कौन? तेरी मौत? आ गया हूँ मैं कराची। अब तू अपना मिनट मिनट गिन। वो काशिफ चौधरी को तूने फोन पे धमकियां दी थी ना, क्या समझा था? कि मैं लाहौर बैठा रहूंगा और तू तानी को डरा धमका के मुझसे दूर कर देगा। वो अब बच सकता है तो बच ले, तो तेरे पास टाइम बहुत कम है। बस यही बताने के लिए फोन किया था। वाह वाह मेरे पंजाब के शहर। मैं पूछ रही थी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? बताता हूँ अफ्तारी के बाद, आराम से बताता हूँ। यूनिवर्सिटी में गया होगा तो बताएगा ना। सड़क छाप, मैट्रिक फेल। अच्छा कैंटीन में काम करता होगा, तभी तो मशहूर है इसके पकोड़े। एनी शोदा वाला है। इतना बड़ा प्लान मामू भांजी का? ये नहीं होने दूंगा मैं। चांद नगल का असली वारिस मैं हूं। यहां सिर्फ खानम रहेंगी, मैं और तानी, और कोई नहीं। अबे हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। इन्हें अब मैं अपना असली रंग दिखाऊंगा, इन्हें पता चलेगा कि तैमूर चुगताई किस बला का नाम है। देख लें फुरकान भाई, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और टेंशन ना ले, पूरा इंतजाम हो गया। ओए हम कोई ऐसे ही चौड़े में या कोई पलवानी में थोड़ा तमूर चुकता है कि ऊपर हाथ डालेंगे। और पूरी सेटिंग कर ली है, मेरी बात हो गई है अच्छू फजाई के साथ। अच्छू फजाई? ये कौन है? ओ चीता, ओए मेरा बड़ा यार है। तमूर चुकता है जैसे 200 बंदे जेब में डाल के फिरता है, ढोन है पूरा। ओ यार अब तो बस एक्शन होगा और तुम उड़ चुकता ही अपनी कैद में। और तानी? हाँ तो तुम उड़ चुकता है को जब उठाएंगे तो तानी को भी तो लेके आएंगे ना। चल रोटी मंगा ले। अभी एक घंटे पहले ही तो इफ्तार किया था फुरकान भाई। वो इफ्तार किया था यार, क्या हो गया, खाना तो नहीं ना खाया। चल मंगा ले रोटी।